वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और चूंकि हम आज बात करने वाले हैं आपकी स्किन के हवाले से, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और नए नए ट्रीटमेंट्स भी हैं, फेशियल्स भी आप कराते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ लाइव एक्टिविटी भी करवाने वाले। हमें ज्वाइन किया है स्किन स्पेशलिस्ट है नादिया जिया बट, बेसिकली शी इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। उनको वेलकम करेंगे। कैसे हैं नादिया? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आपकी उर्दू से कि आप स्टेट से आई हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को उर्दू में बोले आप, यू आर वेरी फ्लुएंट इन दैट। आई ट्राई टू बी, लेकिन जब घर पे होती तब बच्चों के साथ मेरी इंग्लिश चल रही होती है, वैसे उर्दू। लेकिन यहाँ पे मुझे, मतलब मैं देखती हूँ काफी लोगों को शौक है इंग्लिश बोलने का, लेकिन मैं जरा अवॉइड करती हूँ कि मेरी अपनी उर्दू ठीक हो जाए। उर्दू ठीक हो जाए। अच्छा नादिया, क्या बताने वाली हैं आज? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं अपने इस प्रोफेशन के हवाले से, ताकि फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें। ये एक्चुअली प्रोफेशन जो है, हमने वेलवेट स्किन केयर का यूएसए से शुरू करा है। हमें ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो गए हैं। हमने मशीन्स में, लेजर्स में और स्किन में काफ़ी रिसर्च करी है। मेरे हस्बैंड का आइडिया था ये, तो आई एम हियर हेल्पिंग हिम। तो इंशाल्लाह वी गोना ओपन अप मोर क्लिनिक्स। लेकिन आज जो हम आपके इधर लेके आए, वो दो हम मशीनें लेके आए। एक तो हमारी हाइफू है जो उनसी स्किन टाइटनिंग के लिए है, और दूसरा जो है हमारा हाइड्रो फेशियल है। जो कुछ लोगों को होती है कि जी मैंने लेजर नहीं करवाना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हाइड्रो फेशियल जो उनसी है, वो हम डर्मा एब्रेशन है, उसमें आप क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, डिस्टिल्ड पानी भी यूज कर सकते हैं, सीरम से भी यूज कर सकते हैं। लवली, बट इट्स ऑल नेचुरल। नेचुरल, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके अगर देखें, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन जब आप हर चीज को प्रॉपरली फॉलो करें, उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल दें, तो इसके फिर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते। नहीं। और आपके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत लेटेस्ट है। बहुत लेटेस्ट है, और ये बेसिकली जिस कंपनी से हम डील कर रहे हैं वो हमारे ही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और क्योंकि हर राउट डिफरेंट होता है जहाँ जहाँ मशीनें जाती हैं, लेकिन हमने ये सारी पहले मशीनें यूनाइटेड स्टेट्स में मंगवाई, क्योंकि उनका होते हैं गाइडलाइंस, इट हैज टू बी फेडरली अप्रूव्ड। एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि इसमें स्किन टाइप्स होते हैं, देयर सिक्स डिफरेंट स्किन टाइप्स, तो उस हिसाब से द मशीन्स आर डिजाइंड। तो मैंने डायरेक्टली आउट ऑफ दूसरी कंट्रीज से नहीं मंगवाई, डायरेक्ट इनटू पाकिस्तान, तो थ्रू द यूएसए, सो दीज आर फेडरली अप्रूव्ड। एंड इसके टेल यू द ऑनेस्ट ट्रुथ, 90% The results are outstanding. Oh, lovely. अच्छा तो नादिया, क्या एक्टिविटी हम इन्हें कहते हैं शुरू करते हैं, हम चलते हैं उस तरफ। चलें जनाब, हम इस तरफ आने लगे और ये एक्टिविटी हम शुरू कराएंगे। नादिया, आप इस तरफ आ जाएं, ताकि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगी और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पीछे पेशेंट क्योंकि ये हमें थोड़ी सी इसमें हेल्प चाहिए। अच्छा जी, क्या है ये? अब ये देखे ना, ये जो पेशेंट है तकरीबन ये 50 and above की है, और आप देख सकते हैं कि इनकी ये लाइन है, ये लाफ लाइंस, और ये इनकी जो क्रो लाइंस जिसको कहते हैं, इज प्रीटी मच, और इनकी जो स्किन है वो बेसिकली थोड़ी सी लूज हो चुकी है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, मिस रूबिया जो है इसको मार्क करेंगी, ठीक है। हम इस स्किन को टारगेट करेंगे बस हाफ साइड, फिर उसको आपको बिफोर एंड आफ्टर का अफेक्ट दिखाएंगे। सही है। सो अभी जो मिस रूबी है वो इस पे जेल अप्लाई करेंगी, ठीक है। उसके बाद शी इज गोना स्टार्ट, और एज आप देख सकते हैं मशीन के ऊपर इसने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है कि क्या करना है और कितनी लाइंस करनी है। बेसिकली ये यहाँ पे हमारा जो काउंटर है, ये बताएगा आपको कितनी लाइंस मिस रूबी ने टैकल करी है, ठीक है। तो यूजली चेहरे की जो होती हैं, तकरीबन एक ट्रीट में 600 लाइंस होती हैं, जिसको आप टैकल करते हैं वेरी स्लोली। ओके, एंड इट्स वेरी टेक्निकल, वेरी टेक्निकल। आप ये कह सकते हैं यू हैव टू ओवरलैप इट, ओके, यू कैंट मिस इट। और इट्स अ टिप फॉर द पब्लिक, जब भी आप जाके हाइफू करवाए ना, आपको एक हल्की सी पिंच फील होगी, मेक श्योर वो आपको पिंच फील हो रही है। अगर नहीं हो रही तो अपने स्टाफ को कहें कि प्लीज इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करें, क्योंकि तभी आपको जाके उसका अफेक्ट महसूस होता है। हो गया। कुछ लोग ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ कम, लेकिन हम ऑलवेज उस लेवल से शुरू करते हैं कि ना तो आपको रेडनेस हो और ना आपकी स्किन ब्रेकआउट हो। क्योंकि ये क्या करता है, इट डीप पेनेट्रेट्स, जो सेल्स डेड हो जाती हैं, फैट टिश्यू बिल्ड होता है, उसको सारा कॉन्सेंट्रेट करता है एंड ब्रिंग्स इट अप टू द स्किन। लवली, लवली। और इसके साथ हम हाइड्रोफेशियल भी करने वाले हैं। इधर हमारे पास इस तरफ से आ जाए नादिया, ताकि हमारे देखने वालों को भी अंदाजा हो जाए। ओके, परफेक्ट। ओके,
चैलेंजिंग। इधर जो है हमारी एक और पेशेंट है, शी इज यंग, शी इज प्रॉबली इन हर मिड 20s। तो ये जो है मैं रेकमेंड करूंगी फॉर टीनएजर्स और स्टूडेंट्स जो उनसे कॉलेज जा रहे हैं, डेली मट्टी एंड एवरीथिंग, ठीक है, और उन्हें कुछ नहीं करवाया। ये जो सारे कहते हैं भाई यूज पॉलिशर्स ऑन योर फेस, इट डजंट वर्क। ओके, तो व्हाट वी आर गोना डू, इसमें हमने विटामिन सी का सीरम डाला हुआ है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे भी ब्लैक हेड्स है, स्किन जो है डिसकलरेटेड है, और इसमें वो ग्लो नहीं है जो होनी चाहिए तो हमारी मशीन में देयर आर 7 steps, ओके, जो पूरे मशीन को अप्लाई करता है। इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स, लेकिन हम लोग इसको एज ए प्रोसीजर हम सक्शन करेंगे जब तक हमारे पास टाइम है, और हम अगेन हाफ फेस करेंगे बिफोर एंड आफ्टर दिखाने के लिए। लवली। अच्छा, ये जो ओपन पोर्स होते हैं ये सिकेचर हो जाते हैं? ऑफ कोर्स, ओपन पोर्स उस वक्त होते हैं जब आप बिल्कुल अपने फेस की क्लेंजिंग नहीं करते। ब्लैक हेड्स क्यों खुलते हैं? क्योंकि हम कोई क्लेंजिंग नहीं करती, उसको हम स्किन को कोई एक्सरसाइज नहीं देते, तो वो पोर्स खुलने शुरू होते हैं। उसमें आपकी डेली मट्टी, व्हिच हम कहते हैं ब्लैक हेड, जब ये हम कर लेंगे उसके बाद हमारा सीरम है जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं, अगेन वो अब्रॉड का सीरम है, नॉट फ्रॉम हियर। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो सीरम जो है वो आपके वंस स्किन साफ होती है आपके पोर्स को वो काम डाउन कर देता है। सही। उसके बाद हम एलईडी की फाइनल स्टेप एलईडी का मास्क लगाते हैं फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, एंड यू आर रेडी टू ग्लो। रेडी टू ग्लो, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आप नाजी ये प्रोसीजर शुरू करते हैं, हम आप लोग स्टाफ ये शुरू करेंगे तो हम लोग इन बिटवीन आपको डिस्कशन करेंगे। नाजी उधर आते हैं। अच्छा नाजी, कितने अर्से बाद ये आपको स्किन टाइटनिंग, हाइफू या हाइड्रोफेशियल की जरूरत पड़ती है? जो स्किन टाइटनिंग है हाइफू की, अगर तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स आप कर रहे हैं, जैसे हमारे इस वक्त पेशेंट है, इनकी एज के तकरीबन इनको 3 to 4 sessions चाहिए, और उसके बाद 2 साल तक इनको कोई स्किन टाइटनिंग करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। अगर तो प्रॉपरली ये प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। ऐसे काम को तकरीबन 60 to 80 minutes लगते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि एज आप देखें चेहरा काफी बड़ा है, और ऊपर से हर स्किन लाइन को टैकल करने में भी टाइम लगता है। ये 10-20 minutes का प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता। ठीक हो गया, ठीक है ना? सही। और हाइड्रोफेशियल की बात की जाए तो ये कितने अर्से बाद आपको रिक्वायर्ड होते हैं? यूजली मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स लॉट ऑफ डर्ट, चाहे आप गाड़ी में हो, रिक्शे पे हो, या मोटरसाइकिल पे हो, हर तरफ से आप काफी डर्ट। महीने में मैं कहती हूँ वंस अ मंथ आके इसको करें, क्योंकि एवरीबॉडी एजेस, राइट? तो यू वांट टू एज विद अ ग्लो। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से अब तो लोग नेचुरल ग्लो की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, मेकअप और ये सारी चीजें करनी जरूरत भी होती है, लेकिन एट द एंड नेचुरल जो स्किन है वो अगर ग्लोइंग हो आपकी तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नहीं देखें, वो सीधी सी बात है, सिंस मैं अब्रॉड में बड़ी हुई हूँ, माय डैड इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टिल इज, बट ही इज अ वेरी लविंग मैन, तो उन्होंने कभी मेकअप नहीं लगाने दिया, नॉट टिल आई ग्रेजुएटेड हाई स्कूल एंड कॉलेज, मेकअप कोई उन्होंने नहीं लगाने दिया, तो अब मुझे ज्यादा मेकअप की जरूरत भी नहीं। यू आर नॉट अलोन इन दैट वे, मेरी तो अब मजबूरी है कि मुझे टीवी पे आना है। मेरे फादर इस मामले में खुद बहुत ज्यादा थे कि मेकअप बिल्कुल अलाउ नहीं था हम लोगों को, हम महीनों को, लेकिन एट द एंड अब चूंकि टाइम की और हमारी जॉब की एक नोयत है, अदरवाइज ये सारा मामला रहता है। और फिर हमारी स्किन, मेरी स्किन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है काफी हद तक, लेकिन मुझे जिस तरह से मैं ओपन पोर्स की बात करती थी, मुझे इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं क्योंकि आपका मेकअप रिमूव सही से नहीं हुआ है, कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं। क्लेंजिंग भी अनादि हम जानना चाहेंगे, कितने अरसे बाद आप, मतलब रोज तो करनी चाहिए लेकिन डीप क्लेंजिंग भी होती है जो आप प्रॉपरली किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो किस तरह से होनी चाहिए? वो वही जो हमारी हाइड्रोफेशियल है ना, वो डीप क्लेंजिंग कर रही है। अगर आप देखें इस वक्त पेशेंट को जो वो डर्मा एब्रेशन यूज कर रहे हैं ना, उस सारा उसमें से जो है वो डीप क्लेंसिंग ही हो रही है। इनकी स्किन जरूर रेड होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये है कि वो उसका पता चल जाता है कि यस इज डीप क्लेंसिंग। तो वो देख रहे हैं। नादिया सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो लाइन्स मार्किंग की है ये बेसिकली क्या है? ये इसलिए हम लोग मार्क करते हैं कि जो टेक्नीशियन है उसको पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ हिट किया है। जहाँ जहाँ हिट करते हैं वो लाइन थोड़ी सी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, तो वो उसको फिर पता होगा कि वो कोई मिस नहीं करेगी। प्लस वो पेशेंट से पूछेंगी कि अगर आपको ये बर्दाश्त हो रहा है, कुछ पेशेंट्स आर वेरी पेन टॉलरेंट एंड सम आर वेरी सेंसिटिव,
तो हमारे पास जो कार्ट्रिजेस हैं दे आर डिफरेंट वेवलेंथ्स. ठीक है ठीक है. तो अगर क्लाइंट कहते हैं कि नहीं ये मुझे बहुत बॉदर कर रहा है, हम उसकी वेव लेंथ भी चेंज कर सकते हैं कि वो कंफर्टेबली बैठ के 60 मिनट्स के लिए उसको एंजॉय कर सके. लवली लवली. और इससे मेरे ख्याल से एक रिलैक्सिंग सी फील भी आती है आपको जब आपकी स्किन टाइटनिंग भी हो जाए या फेशियल भी हो जाए, क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग भी हो जाए तभी. अच्छा नादिया, यहाँ पर इस तरह का कैसा रिस्पॉन्स आपको देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे लोग जो है ना वो सिर्फ सैलून्स पे जाना पसंद करते हैं, कुछ फेशियल्स करा लिए. इस तरह के ट्रीटमेंट्स कितने ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर आपको देखने में? यहाँ पे मैं काफ़ी क्लिनिक्स खुले हुए हैं और काफ़ी लोग कर भी रहे, तो मैं किसी का नाम या नहीं लूँगी कि उनको डिस्करेज नहीं करूँगी, आप ना जाएं. हर कोई यहाँ पे कोशिश कर रहा है, लेकिन वेलवेट स्किन केयर क्योंकि एक ब्रांड न्यू क्लिनिक है, इट्स USA से आई है, तो इसका प्रोटोकॉल इज़ टोटली डिफरेंट. इसका प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग. ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और कस्टमर इंजॉय कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है और उनका रिजल्ट कैसा हो रहा है. तो ये हाइड्रो जो वो कर रही हैं, ये आप देखेंगी कि इट्स पता चल जाएगा. आप सुन भी रही हैं कि क्लाइंट कह रहा है कि उनको महसूस हो रहा है. अच्छा ये क्या कर रही हैं, ये क्या इस मशीन से इनके फेस पे जब मार्किंग के बाद जो इनका प्रोसीजर है, ये जो दूसरे, ये एक तो हाइड्रोफेशियल हो रहा है और एक ये जो हाइफू हो रहा है, इसके हवाले से नादिया हमें बताएं. हाइफू इस वक्त क्या कर रहा है, इसमें जो होते हैं इसमें शॉर्ट्स होते हैं. ठीक है, ये उस सेल को टारगेट करते हैं जो हमारी सेल जो लिफ्टिंग उसकी खत्म हो जाती है. ठीक है, तो ये इस वक्त क्या कर रहा है, ये उसको शॉर्ट करके, तो उसको बेसिकली मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ. अंगूर ले लें. हाँ, ठीक है. अंगूर जब ड्राई हो जाता है तो कैसा हो जाता है? ठीक है, लेकिन अगर अंगूर जब फ्रेश होता है अगर आप उसको इंजेक्ट करें, रिहाइड्रेट करें, हाँ, तो वो फिर फूल जाता है. स्किन भी हमारी ऐसी है. हाँ, तो ये अब क्या कर रहा है, ये उसके अंदर एक इंजेक्ट कर रहा है सेल के अंदर कि उसको वापस फुला दे और रिहाइड्रेट कर दे. और उसका आपको पता चलेगा कि स्किन जो है हल्की सी रेडिश हो जाती है. बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स आर कमिंग बैक टू द स्किन. ठीक हो गया. तो अच्छा मुझे नाजिर ये भी बताएं कि इसकी जो पोस्ट केयर होती है, मतलब हाइड्रोफेशियल या हाइफो, इसकी फर्दर केयर क्या होगी अगर आपने एक बार करा लिया तो? इसकी ये केयर होती है जो मैं काफी लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि कोई चेहरे पे ड्राई सोप ना यूज करे. ठीक है, फेस वॉश आजकल यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं. ठीक है, फेस वॉश वो यूज करें जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं या जिनको हम लोग बीन्स कहते हैं, न्यूट्रोजीना के प्रोडक्ट्स हो गए, वो फेस वॉश एवरी नाइट करें. और दूसरा ये यहाँ पे आजकल क्योंकि लेडीज आर वेरी कॉशियस, उन्होंने आजकल वो वेट पैड भी रखे हैं, मेकअप रिमूवर एंड एवरीथिंग. तो वो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि एवरी नाइट, देखें हम लोग सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर 10 मिनट हम अपने चेहरे के लिए भी निकाल लें तो वो हमें लॉन्ग लास्ट करेगा. तो एवरी नाइट फेस फेशियल से वो वाइप से साफ करें, उसके बाद फेस वॉश और जो भी आपकी पॉन्ड्स की होगी, निविया की होगी, वो एवरी नाइट क्रीम लगा के आप स्वयं के चेहरे को मॉइस्चर मिलता रहे. ठीक हो गया. अच्छा ये हाइड्रो फेशियल में आप क्या प्रोसीजर चल रहा है, इस बारे से एक्सप्लेन करें नादिया. ये अब क्या, जब इन्होंने वो अपना सक्शन कर लिया, अब ये यूज कर रही है द हैमर. अब ये इसको ना बेसिकली हीट पहुंचाएगा. ठीक है, कि सेल्स को ये और खोले. ठीक है, उसके बाद एक होल्ड हैमर है जो ये अप्लाई करेंगी कि जिससे सेल्स काम डाउन हो जाएंगे फिर से. ठीक है, और फिर ये फाइनल जो है उस पर सीरम लगाएंगी. अभी ये जो है सेल को रिजुवनेट कर रहे हैं. ठीक हो गया, लवली लवली. अच्छा नादिया, समटाइम्स पेशेंट्स की स्किन बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स भी होती है क्योंकि क्रीम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होता है या ब्लीचेज, इस तरह की चीजें भी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको डील करना समटाइम्स बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा, कैसे आप लोग उसको करते हैं? उसको मैं इस तरीके से करती हूँ क्योंकि मुझे खुद बड़ा पैशन है स्किन के साथ. मेरी बेटियाँ सब कुछ, आई कीप देम अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टफ, उनको मैं बहुत एक प्रॉपर केयर दी हुई है. तो ब्लीच जो है, अब आप ये ब्लीच को आप ऐसे दिमाग में रखें कि जैसे आपने अपने पोर्स को इरिटेट कर रहे हैं. Exactly, आप अपनी स्किन भी ऊपर से मेरे ख्याल से क्लियर ही जला रहे हैं, जला रहे हैं. और आजकल जो भी ब्लीचेस आ रहे हैं, पहले तो जोलीन आया था. हाँ, ठीक है, उसके बाद अब इतने ब्लीचेस आए हुए हैं कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए उनकी स्किन भी जली हुई है. ऐसा ही होता है.
ठीक है, और वो इतनी डीपली जली हुई है कि जैसे वो कहते हैं कि बस एक दफा ही ब्लीच लगाया तो मेरी स्किन खराब हो, तो उसके लिए भी हमारे पास है, उसको हम कहते हैं कार्बन पीलिंग, वो मेरी लेजर मशीन है, वो भी अगेन टॉप ऑफ द लाइन। किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी वो रिजॉल्व करता है। अच्छा ना, ये समझ मैंने देखा लोगों में अब चूंकि अवेयरनेस भी अपने स्किन के हवाले से बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी लोगों में जो वो गोरा होना है ना, उसका ट्रेंड यहाँ पर नहीं, मैंने पाकिस्तान में देखा हर एक को गोरा ही होना है, मतलब कोई अपनी स्किन टोन में अच्छा नहीं लगना चाह रहा। मैं बहुत बार डिस्कशन करती हूँ कि जो स्किन वाइटनिंग फेशियल्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से लोगों को उनको कन्विंस करना कि भाई आप अपनी स्किन में खूबसूरत लगें, इसको ग्लोइंग बनाएं, बड़ा मुश्किल है। देखिए मैं आपको टिप देती हूँ इसके बारे में भी, और ये पब्लिक के लिए है, आप अपनी स्किन में अगर खुश नहीं है तो फिर वाइटनिंग से भी आप खुश नहीं हो सकते। Exactly. ठीक है, उसका भी वाइटनिंग लोग करवाते हैं, और समटाइम वो कहते हैं कि जी आई डोंट केयर, जो मर्जी मेरे साथ होता है आप करें। तो नादिया ये क्या इफेक्टिव होता है वाइटनिंग? अगर आपके पास प्रॉपर इंजेक्शंस है और प्रॉपर कंपनीज ने आपको दिए हुए और वो मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है, तो यस इट डज वर्क, लेकिन उसका जो आउटकम है इट्स अबाउट 10%। एग्जैक्टली वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। अच्छा, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने इंजेक्शन लगाया या ट्रीटमेंट कराया तो एकदम से हमको बहुत ही गोरे निकल आएंगे, और ये ऐसा नहीं। ये एक ये जो है ना, देखेंगे मैं किसी का यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट एनीथिंग, लेकिन अपना मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, यस अगर जो आपको खुदा ने पिगमेंटेशन दी है वो तो आपको डीएनए में है, बिल्कुल है। ये अगर सारे समझ जाए कि ये आपके डीएनए में है आपकी पिगमेंटेशन, तो उसको ही थोड़ा उसी को एंजॉय करें और उसको बेहतर कर लें, उसको बेहतर। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब हम लोग हाइड्रोफेशियल कर रहे हैं ना, इससे हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड आया है, क्योंकि आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। उसके बाद मैं सारों को कहती हूँ ओके अब आप कार्बन पीलिंग करवा सकते हैं। नादिया, चूंकि हमें ब्रेक भी लेनी, मैं चाहूंगी एक मैसेज हमारी पब्लिक को देना जो आप चाहें, और मैं कोशिश करूंगी कि इसके फाइनल रिजल्ट्स हम आपके साथ रिपीट में शेयर कर लें, लेकिन एक मैसेज हमारे देखने वालों के लिए। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा स्किन वाइटनिंग का, बिफोर आप जाके ये इंजेक्शन करवाएं या उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, मेक श्योर कि आपको उसके नो हाउ, उसकी स्टडी का पता हो, इज इट इफेक्टिव। लेकिन जो खुदा ने आपको डीएनए दिया हुआ है ना, उसी से आपका कलर पिगमेंटेशन डिसाइड हुआ हुआ है। यस, वो डॉक्टर्स एंड एवरीबॉडी इन देयर प्रोफेशन वो कहेंगे कि भाई इतने आपको इंजेक्शन चाहिए, उसका सिर्फ 10% अफेक्ट होगा, नॉट ये जहाँ पे आप बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो जाएंगे। तो सो द बेस्ट थिंग टू डू इज ऑलवेज डू योर फेशियल्स, और उसको मंथ बेसिस पे रखें और आके वेलवेट स्किन केयर पे देखें। एग्जैक्टली, आपका गुलबर्ग 3 में इनका जनाब क्लिनिक है, आप इनको विजिट भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली अपनी स्किन का ख्याल रखें, और हल्की प्रोजेक्ट्स पे ना प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल भी ध्यान है। गुलबर्ग 2 में, ठीक है, गुलबर्ग 2 में वेलवेट स्किन केयर। ओके लवली, थैंक यू वेरी मच नादिया, बहुत शुक्रिया, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, बड़ा जबरदस्त काम करिए। नाजरीन, आप लोगों के लिए ये अच्छी टिप्स हैं कि अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल रखें और अच्छी प्रोडक्ट्स पर रिलाय करें, और डेफिनेटली ये सारी चीजें जो हैं अब टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे तरक्की हो रही है बेहतर आ रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मैं आपकी मुलाकात डिजाइनर से करवाऊंगी, आप देखते रहिए जागो लाहौर।